एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फूड बाय अंजलि। और आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है गाजर का हलवा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाजर का हलवा बनाना। हलवा बनाने के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, वॉश पीस और कट किए हुए गाजर हैं 500 ग्राम, 250 ग्राम मैंने खोआ लिया है, 1 कप मिल्क लिया है और मैंने यहाँ पे क्रस्ट ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और 1 कप शुगर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं गाजर का हलवा बनाने के लिए। सबसे पहले हम पैन लेंगे और उसको गर्म करेंगे और पैन में ऐड करेंगे ग्रेट किए हुए गाजर को। गाजर को पैन में ऐड करके हम मीडियम फ्लेम पर थोड़ा फिर सॉटे कर लेंगे। थोड़ा सॉटे हो जाएगा तो मैं उसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप शुगर। गाजर का हलवा बनाने का ये रेसिपी बहुत ही क्विक है, हम बहुत ही कम समय में बहुत ही टेस्टी हलवा बना सकते हैं। हम शुगर को अच्छे से गाजर में पकने के लिए छोड़ देते हैं, इसके पानी में ही गाजर ये बहुत अच्छे से पक जाएगा। गाजर ने शुगर को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप मिल्क। वन कप मिल्क मैं ऐड करके मीडियम फ्लेम पर इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दे रही हूँ। मिल्क को भी गाजर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर रही हूँ। मैंने 1 कप मिल्क ही यूज़ किया है क्योंकि मैं बाद में इसमें खोआ डालूँगी और मिल्क भी ज़्यादा देर पकाने से बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो मैंने 1 कप मिल्क ऐड किया है। मिल्क भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है हलवे में। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कार्डमोम पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है कार्डमोम पाउडर से। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून घी, शुद्ध देसी घी। घी से भी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी हलवे से, घी डालने से। घी डालते ही हलवे से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्रस्ट खोआ। मैंने क्रस्ट खोआ को ऐड कर दिया और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हलवे ने घी रिड्यूस करना शुरू कर दिया, जो 1 टेबल स्पून घी मैंने ऐड किया था, और आप देख सकते हो हलवे में कितना अच्छा कलर आ गया है और हलवा बनकर रेडी ही होने वाला है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्रस्ट नट्स। नट्स के डालने के बाद तो इनका टेस्ट और भी दुगुना हो जाएगा। वाव, आप देख सकते हो हलवे का कलर कितना सुंदर लग रहा है। और लास्ट टाइमिंग हमें कंटिन्यू इसे चलाना ही रहता है क्योंकि ये चिपकने लगता है, तो हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे जिससे ये चिपके ना। हमारा हलवा बनकर रेडी हो चुका है और अब मैं गैस को ऑफ कर दी हूँ। हलवा तो बनकर रेडी हो चुका है, अब बारी है प्लेटिंग की। चलिए हम करते हैं प्लेटिंग। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्रस्ट खोआ, थोड़ा इसको गार्निश कर देते हैं। ऐड कर रही हूँ नट्स। इस तरह हमारे गाजर के हलवे की रेसिपी पूरी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।